नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की, साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। अमेरिका के बोस्टन में लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों और भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। कहा, भारतीय लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत, भारत की आवाज ध्यान से सुनती है पूरी दुनिया। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सूरीनाम यात्रा। राजधानी पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार का जताया भरोसा। अहमदाबाद के साबरमती तट पर आयोजित खादी उत्सव में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए खादी बन सकती है प्रेरणा स्रोत। पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज किया राष्ट्र को समर्पित। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह और पीएस संगमा की जयंती पर पुष्पांजलि। राज्यसभा उपसभापति ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। लोकसभा, राज्यसभा के अधिकारी भी रहे मौजूद। जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जस्टिस यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एनवी रमना का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल इस साल 8 नवंबर तक रहेगा। अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। आई उदय उमेश ललित, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, दैट आई विल वेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the constitution and the laws, and that I will uphold the constitution and the laws. Justice Uday Umesh Lalit ne Nyayamurti N.V. Ramna ka sthan liya hai। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्री समारोह में शामिल हुए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अमेरिका के दौरे पर बोस्टन पहुंचे। बोस्टन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से और प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीयों की कार्यशैली और कार्य संस्कृति का पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है। भारत का लोकतंत्र सबसे गतिशील और जीवंत है, इसीलिए भारत जब भी कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। उन्होंने कहा कि व्यापार और पर्यटन भारत के विकास का आधार है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल अमेरिका के बोस्टन पहुंचा, जहां लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारतीय शिष्टमंडल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT का दौरा किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों और वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की।
बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसने भारत की प्रगति को गति दी है। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा संविधान तो बनाता है जनता की सरकार, जनता के द्वारा, और लेकिन अभी हमारे नौजवान उस लोकतांत्रिक संस्थाओं से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जितनी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए उतनी सक्रिय भागीदारी नहीं। आखिर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा में जो कुछ भी बदलाव हुआ इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से हुआ, लोकतंत्र के अलावा दुनिया के अंदर कितने ही रिसर्च के लिए डेमोक्रेसी के अंदर, आज डेमोक्रेसी के 75 साल के रिसर्च के बाद निकला कि संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अपनी इस यात्रा के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने छात्रों के साथ भारत की विकास गाथा साझा की, साथ ही भारत की विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं और दुनिया भर में रोजगार अवसरों के सृजन के साथ ही आर्थिक विकास में योगदान कर रहे हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में अध्ययन होता है, पढ़ाई होती है, तो रिसर्च का जो काम जिस तरीके से यहाँ के विश्वविद्यालय में हो रहा है, उस तरीके के रिसर्च की संस्थानों को हमें खड़ा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर जो नई चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का अगर हमें समाधान हम देंगे तो दुनिया हमारी तरफ आकर्षित होगी। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को उनकी कार्यशैली और कार्य संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समुदाय जरूरत के समय अपनी मातृभूमि के साथ साथ अपने मेजबान देशों की मदद के लिए हमेशा आगे आया है। आपदा और संकट के समय जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों ने अपने संस्कार के, अपनी संस्कृति के तहत उस आपदा संकट में उस सोसाइटी का योगदान दिया, सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए दुनिया भर के अंदर भारतीय मूल के लोगों का सम्मान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल अपनी यात्रा के तीसरे चरण में सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में लोकसभा अध्यक्ष ने सूरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत और सूरीनाम के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में ये संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ने के साथ ही व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी विस्तार होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान ओम बिरला ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आपसी जानकारी, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान से दोनों देशों का विकास होगा। उन्होंने सूरीनाम में प्रवासी भारतीयों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र भी किया। सूरीनाम में बसे प्रवासी भारतीयों के बारे में बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ये एक अनूठा संयोग है कि जहां भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, वहीं सूरीनाम में भारतीयों के सूरीनाम प्रवास के 150वें वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। पिछले 150 वर्षों के दौरान सूरीनाम में बसे भारतीय समुदाय के लोग सूरीनाम के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिवेश का एक अभिन्न अंग हैं और केंद्र बिंदु बन गए हैं। जब 150 वर्ष भारत मूल से आए लोग यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, ये उत्सव भारतीय संस्कृति और सूरीनाम संस्कृति का ऐसा मेल होगा जो पूरे विश्व के देश देखेंगे। विश्व के उन देशों में, करीबन देशों के अंदर भी
भारतीय संस्कृति की कुछ झलक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जीवंत भारतीय संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक को रखा है तो सूरीनाम के लोगों ने रखा है, और यही यहाँ की विशेषता है। हम दोनों देश किस तरीके से मिलकर समृद्धि, खुशहाली ला सके, हमें आवश्यकता है हमारे नौजवानों को तकनीकी ज्ञान की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, नए विज्ञान की, नए इनोवेशन की, ताकि हम नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी से दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजियां ला सकें। और इसीलिए भारत ने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण, उनके नए इनोवेशन के कारण, नवाचार के कारण आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से सूरीनाम की संस्कृति के अंदर भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए रिसर्च कर सकते हैं, नए इनोवेशन कर सकते हैं, ताकि इस एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से आने वाले करीबन देश नहीं, हम अमेरिका और यूरोप को भी एक बड़ी सप्लाई चेन के रूप में बना सकें, इसके लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने पारामारिबो में बाबा और माई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस प्रतिमा में उस पुरुष और महिला को दर्शाया गया है जो पहली बार भारत से सूरीनाम आए थे, जिसके बाद सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि महात्मा गांधी ने सूरीनाम में गिरमिटिया श्रम प्रथा को समाप्त करने की अपील की थी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर खादी उत्सव में शामिल हुए। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में खादी को लेकर जागरूकता की जरूरत है। खादी हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है, और अगर हम अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान करेगी। उन्होंने सभी से खादी को बढ़ावा देने की अपील की, साथ ही कहा कि पिछले 8 सालों में खादी के उद्योग में बढ़ोतरी देखी गई है। उम्मीद जताई जा सकती है कि अब खादी लोकल फॉर ग्लोबल और कामयाबी के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण जरिया साबित हो सकती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे खादी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका विशेष मकसद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खादी और इसके महत्व को सम्मान देना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। सूत का एक धागा स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना था, ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है, वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। और इसलिए ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये खादी उत्सव भविष्य के उज्ज्वल भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने चरखा चलाकर देशवासियों को खादी के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा कि खादी को लोकप्रिय बनाने, खादी उत्पादों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम ही है कि पिछले 8 सालों में भारत में खादी की बिक्री में 4 गुना की वृद्धि देखी गई, जबकि गुजरात में खादी की बिक्री में जबरदस्त 8 गुना की वृद्धि हुई है। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। खादी की इस बिक्री के बढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ आपको हुआ है। मेरे गांव में रहने वाले खादी से जुड़े भाई बहनों को हुआ है। खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है, गांवों में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हुआ है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 2.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नए कार्यालय भवन और साबरमती नदी पर बने 1 फुटओवर ब्रिज अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सांसद सीआर पाटिल, राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, अहमदाबाद के मेयर और केवीआईसी के अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते आगे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भुज में स्मृति वन स्मारक और अंजार में वीर बाल स्मारक गुजरात के कच्छ जिले के साथ साथ पूरे देश के साझा दर्द के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन स्मारकों को विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि ये वो भावना है जो हमें आज़ादी के अमृतकाल के विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है। भुज में लगभग 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड नर्मदा योजना नी कच्छ शाखा नहर नू लोकार्पण। इससे पहले उन्होंने भुज जिले में स्मृति वन स्मारक का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भुज में स्मृति वन स्मारक और अंजार में वीर बाल स्मारक गुजरात के कच्छ जिले और पूरे देश के साझा दर्द के प्रतीक हैं। भुजियो डूंगर में स्मृति वन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था
वो आज पूरा हो गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कच्छ में आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र है। वेल्डिंग पाइप निर्माण के मामले में कच्छ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा संयंत्र कच्छ में है। गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य मंत्री किरीट सिंह वाघेला और जीतूभाई चौधरी उपस्थित थे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मौजूद राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 फरवरी 2014 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के चित्र का अनावरण किया था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 फरवरी 2014 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सरदार हुकम सिंह के चित्र का अनावरण किया था। वहीं लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों ने भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को पुष्प अर्पित कर याद किया। इस अवसर पर पीए संगमा द्वारा लिखी गई और उनसे संबंधित संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर संसद भवन लाइब्रेरी में उपलब्ध पीए संगमा द्वारा लिखी गई पुस्तकों की प्रदर्शनी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाई गई। लोकसभा में 9 बार निर्वाचित होने के अलावा पीए संगमा ने गृह, वाणिज्य, उद्योग, श्रम, सूचना और प्रसारण और कोयला जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री का भी पदभार संभाला। 4 मार्च 2016 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा का निधन हो गया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 26 अगस्त 2022 को सरकारी उपक्रम से संबंधित समिति की बैठक हुई। 26 अगस्त को ही सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 1 सितंबर 2022 को सरकारी उपक्रम से संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई।
तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।